3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश सागानी और आप देख रहे हैं होराइजन इन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का कांग्रेस जनों ने किया भव्य स्वागत। उत्साह से भरे नजर आए अजमेर कांग्रेस के नेता। हर नेता का अभिवादन का पायलट ने मुस्कुराकर दिया जवाब। पायलट के इंतजार में कतारबुद्ध खड़े नजर आए सारे नेता। MDS यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यालय का पायलट ने किया शुभारंभ। का छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी। छात्र संघ कार्यक्रम में लिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भाग। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में युवाओं का दिल जीता पायलट ने। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कर विद्यार्थियों को दिया सेवा करने का संदेश। वसुंधरा सरकार पर भी साधा निशाना। किशनगढ़ हवाई अड्डे के भाजपा के दावे की सच्चाई रखी सामने। कहा भाजपा कर रही है जातिवाद की राजनीति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा भाजपा और वसुंधरा राजे पर निशाना। कहा भाजपा की कथनी और करनी में है अंतर। नोटबंदी और GST से हर वर्ग में मची त्राही त्राही। पायलट ने दावा किया कि होने वाले लोकसभा उपचुनाव में जीतेगी कांग्रेस। नाथूराम सिरोदे ने उड़ाया भाजपा नेताओं का मजाक। MDS यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा कि विधायक और मंत्री पहले दिल्ली गाड़ियों से गए और फिर मुफ्त की यात्रा कर हवाई जहाज से वापस आए। कर्मचारियों ने किया राजस्व मंडल पर प्रदर्शन। सरकार के सातवें वेतन आयोग की नीतियों से है नाराज। सरकारी आदेश की प्रतियां भी जलाई। रेवेन्यू बोर्ड में राजस्व मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। ऑनलाइन कामों का किया श्री गणेश। का मामलों के ऑनलाइन होने से राजस्थान में लोगों को होगा बड़ा फायदा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें horizonhind.com। सच के साथ।